प्यार की गोली वाइग्रा जो पुरुष लेते हैं, और उससे क्या होता है, पुरुष लंबे समय तक कर पाते हैं, उनका पार्ट पोजीशन में आ जाता है, वो कब लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए और क्या कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सब के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्यार की गोली मैंने नाम दिया है, किसको दिया है, वाइग्रा को दिया है। और वाइग्रा क्या है, एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, जो पुरुष जिनको भी दिक्कत है किस चीज़ की, कि उनका जो पार्ट है वो पोजीशन में नहीं आता है, उनका जो पार्ट है अगर वो उससे संबंध बनाते हैं तो वो लंबे समय तक संबंध नहीं बना पाते हैं, उनका जल्दी हो जाता है, तो उन सब चीज़ों में क्या करती है, हेल्प करती है ये गोली जो क्या है, वाइग्रा। तो अभी ये किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। 18 से 45 साल की उम्र के जो पुरुष हैं वो ले सकते हैं ये गोली, लेकिन सिर्फ आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई क्रोनिक बीमारी है, कोई एक ऐसी बीमारी है जिस जो लंबे समय तक चल रही है, छः महीने से ज़्यादा लंबे समय हो गया उसको चलते हुए, और उसकी आप दवाई ले रहे हैं चाहे नहीं भी ले रहे, या तो आपको क्रॉनिक डिजीज़ है या क्रॉनिकली आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको वो वाली दवाई नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद लेनी है। अभी ये बात आती है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या से क्या काम करती है, कैसे काम करती है ये, राइट। तो ये मैं आपको बता दूँ यहीं पर कि ये एक टेम्परेरी मेथड है। अब टेम्परेरी क्या होता है, टेम्परेरी होता है कि कुछ समय तक का, राइट, कि आप एक गोली ले रहे हो जो जितना उसका टाइम लिमिट है। अब टाइम लिमिट की भी बात बता दूँ यहाँ पे, कुछ तो होती हैं कि क्या है कि कुछ घंटों तक का असर करती है, और कुछ होती हैं कि कुछ दिनों तक का, मैं कहूँगी 36 आवर्स तक का। अब 24 घंटे का एक दिन होता है, तो आप देख लीजिए 36 घंटे तक आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका पार्ट कभी भी पोजिशन में है, आप अब भी लंबे समय तक कर सकते हैं, एनर्जी सी वो चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। तो ये एक टेम्परेरी मेथड है। अभी कुछ घंटे या कुछ मतलब एक दिन से ज़्यादा की भी मैं मान लूँ, दो दिन भी पूरे नहीं हुआ, डेढ़ दिन के आसपास का हम समय मान लेते हैं, तो इतने समय तक ही चलेगा ये, परमानेंट नहीं है कि आपने एक गोली ले ली तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक टेम्परेरी मेथड है जो आपको इन सब चीज़ों में क्या है, हेल्प कर रहा है कि अगर आपका पार्ट पोजिशन में नहीं आ रहा, लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीज़ों में आपको हेल्प करेगी क्या ये गोली, ओके। तो अभी ये गोली को लेने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसकी डोज कितनी ले रहे हो, और ये डोज आपको अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डोजेज इसकी लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप खुद से ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि एकदम से, मतलब कभी कभी ऐसा मन करता है कि स्पार्क आ जाए हमारे संबंध बनाने के, उसमें लंबे समय तक मैं कर पाऊँ, ये सब चीज़ें आप कभी कभी ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 महीने या 1 साल में सिर्फ एक बार, जिसकी कंडीशन यह है कि आपको लंबे समय तक चलने वाली या क्रोनिक कोई बीमारी नहीं है, कोई आप उससे रिलेटेड दवाई नहीं ले रहे हो, तो आप ले सकते हैं, ओके। और उसके अंदर भी ये नहीं है कि आपने एक गोली ली, आपको असर सा महसूस नहीं हुआ तो आपने दूसरी ले ली, दूसरी में भी लगा कि नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो तीसरी ले रहे हो, चौथी ले रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं। जब भी लोगे मिनिमम डोज लोगे, सबसे कम डोज लोगे इस चीज़ की, वाइग्रा की, ओके। और वैसे तो लोगे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ लोगे, और अगर डॉक्टर आपको क्या है कि आपको कोई बीमारी है, कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है, तो आप डॉक्टर से मिलते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर देते हैं कि ये दवाई आपको लेनी है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको डोज अपने मतलब सोच के डोज देते हैं कि आपको कितनी डोज उनको देनी है, और उसके साथ साथ वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिक्स करके आपको डोजेज लेने के लिए बोलते हैं, जिससे क्या है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, लॉन्ग टर्म कोई ऐसी ना हो जाए। उसके बाद वो बहुत कम समय तक ही आपको वो उस दवाई पर रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कि आप परमानेंटली लेते ही रहो, ये ऐसा कभी नहीं होता। और उसके साथ वो क्या करते हैं, जब वो दवाई आपको छुड़वानी होती है, मतलब कि जब वो चाहते हैं कि आप अभी बंद कर दो, तो वो धीरे धीरे उसकी डोज को टेपर करते हैं, ओके, कि धीरे धीरे उसको कम करते जाते हैं डोजेज को, और फिर वो रोक देते हैं। तो ये दवाई जब डॉक्टर ही आपको नहीं दे रहे हैं कि परमानेंटली आप लो, जब कोई दिक्कत है तो आप एम ही अपने स्पार्क
आपके लिए रोज ये दवाई बिल्कुल भी ना ले, एक बिग क्रॉस नो है इसके लिए कि नहीं लेनी है रेगुलर बेसिस पे, तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है ये चीज़, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब साइड इफेक्ट्स की बात आ गई तो मैं वो भी बता देती हूँ, जो अभी मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि आपको सर में दर्द हो सकता है, भारी भारी सा लग सकता है, और नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब उल्टी जैसा मन होने या बार बार में उल्टियाँ आना, ओके, और गर्मी जैसा फील होना कि गर्मी सी लग रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा ऐसा, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। आप सोचो कि एक दिन ये चीज़ चल जाती है, लेकिन अगर आप रोज़ 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 उसको ऐड कर रहे हो, रोज़ आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये अनईजी फीलिंग जो होती है ना वो भी बहुत बैड है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। और लॉन्ग टर्म जब लोगे तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा है इसके। तो कभी भी अगर ये चीज़ें लेते हो तो, अगर साल छः महीने में एक बार ले रहे हो तो ओके है, लेकिन तब भी आपको मिनिमम डोज लेनी है, सबसे कम ये चीज़ लेनी है सिर्फ स्पार्क ऐड करने के लिए, ओके। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई दिक्कत है तो अपने आप अपने डॉक्टर मत बनिए, अपने आप लेनी शुरू मत कीजिए, डॉक्टर से जाकर मिलिए, वो डोज के हिसाब से देंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो ही आपको ये चीज़ देंगी। तो ये कुछ बातें थी प्यार की गोली वाइग्रा से जुड़ी हुई। ये भी मेरे किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि इस टॉपिक पे आप बात कीजिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो अपने मेल्स जो फ्रेंड्स है, जो साथी है, उनको तो ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा। और अगर कभी भी कोई आपसे बात करते, कोई सोचता है इस बारे में, इस चीज़ को लेने के बारे में, तो उसके साथ तो ज़रूर बैठ के ये वीडियो देखिएगा, या फिर उसको ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।